अच्छा, ये धर्म के साथ में था। पार्वती माता जी हैं, ये पहाड़ से निकली माता पार्वती, इसने कोलासुर का वध किया था, फिर उसको कोलांबिका जाना जाता। अच्छा दोस्तों, कहा जाता है ये पार्वती माता जी इसी पर्वत से यहाँ पर प्रकट हुए थे, जिन्होंने कोलासुर का वध किया था और इनका नाम फिर कोला अंबिका माता पड़ गया था। तो ये इसी ब्रह्मगिरी पर्वत में प्रकट हुए थे। देख सकते हो कितने अच्छा मंदिर, कितनी अच्छी मूर्ति, और बारिश बहुत ज़्यादा लगी हुई है, और नीचे त्र्यंबकेश्वर शहर, और देख सकते हो ये ब्रह्मगिरी पर्वत पूरा पत्थर का पर्वत है। तो चलो दोस्तों चलते हैं अभी आगे, क्योंकि आगे है एक और शिवजी महाराज जी का मंदिर, जहां पर 108 शिवलिंग हैं। तो चलो चलते हैं अभी वहां के दर्शन करते हैं, फिर निकलेंगे वहां से आगे। हनुमान जी सामने जो पर्वत है वो आंजनी पर्वत, हनुमान जी का जन्म स्थान। अपने जन्म कुंडली में राहु केतु का भ्रमण आ गया, जीवन बहुत सारे कष्ट आते, बहुत सारी दिक्कतें आती, उसको दोष बोलते, मुझे तो इसका असर पे पितृ दो होता, तीन दिन मुझे तो मंगल दो ग्रह नहीं को मिलवा, सारे दोष की पूजा त्र्यंबकेश्वर में करते, दोष घट जाता उसका फल प्राप्त होता है, दोष की बात है गौतम जी की बात है। ये सारे दोष की पूजा हम त्र्यंबकेश्वर में करते, कभी करना है कुंडली निकालना तो कार्ड लेके जा सकते, ऐसे दान पे दान धर्म भी करें, दान से यात्रा भारत के कुटुंब सुख शांति मिलती है, गौतम जी का पवित्र स्थान है। आगे आइए, तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मिलेंगे 108 शिवलिंगों के दर्शन, पूरे 108 शिवलिंग है यहाँ पर, ये देख सकते हो 108 शिवलिंग, और बीच में जो मुकुट वाला ये है मेन बड़ा जो शिवलिंग है शिवजी महाराज, पूरे 108 शिवलिंग यहाँ पर है। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी कारागिरी यहाँ पर, पूरा पहाड़ काट के ये कमरा बनाया गया है, आपको मैं बाहर से दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो ये पूरा पहाड़ काट कर खिड़की है, खिड़की के बाहर जो नंदी महाराज जी विराजमान है, और ये साथ में गणपति बाबा जी की प्रतिमा, और पूरा ये पहाड़, और नीचे है त्र्यंबकेश्वर शहर, और ये पहाड़ियों का सिलसिला। तो गाइस चलते हैं अभी आगे, आगे है गोरखनाथ जी की गुफा, जहाँ पर गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी, और वहाँ से पहले एक जगह पर वो शिवलिंग आता है, चलो वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर है वो शिवलिंग जो कि पहाड़ के बीच में काट कर बनाया गया है, और उसके ऊपर पानी भी टपकता है, चलो देखते हैं। तो ये देख सकते हो ये है शिवलिंग, शिवजी महाराज यहाँ पर विराजमान है, और पहाड़ी के ऊपर से आप देख सकते हो शिवलिंग के ऊपर पानी टपक रहा है, तो बहुत ही देखने वाली चीज़ है, बहुत ही गजब का कारनामा है। पानी भी गिर रहा है, देख सकते हो वहाँ पूरा पानी ऊपर से शिवलिंग के ऊपर टपक रहा है। तो दोस्तों ब्रह्मगिरी पर्वत पूरा ये पर्वत है, और ये नीचे के जो दर्शन है, और ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर के दर्शन हम दूसरी वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो गुप्त गंगा सामने गुप्त गंगा का नाम है, ये जो शिवलिंग के ऊपर पानी टपक रहा है गुप्त गंगा है, और ये देख सकते हो ब्रह्मगिरी पर्वत, और इसके सामने है अंजनी पर्वत। तो चलो दोस्तों यहाँ के दर्शन करके अभी चलते हैं गोरखनाथ जी की गुफा की ओर, और नीचे त्र्यंबकेश्वर।